गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा पर बैठक जारी है। बैठक में एनएएस अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, सीआरपीएफ के डीजी, गृह सचिव, गृह मंत्रालय के सीनियर सिक्योरिटी एडवाइजर के विजय कुमार, आईबी चीफ अरविंद कुमार भी मौजूद हैं। केंद्र सरकार आज पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान कर सकती है। पिछले दिनों ही सरकार ने पहले सीडीएस की नियुक्ति को लेकर एक समिति का गठन किया था। ये समिति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के अंतर्गत काम कर रही है। इस समिति ने तीनों सेनाओं से कमांडर इन चीफ रैंक के अधिकारियों के नाम मंगवाए थे। वाराणसी में माता पिता संग गैंगरेप पीड़िता की खुदकुशी की कोशिश के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट में लिखा कि यूपी की हालत देखिए, सैकड़ों भयावह घटनाएं होने के बाद भी महिलाएं सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई हलचल नहीं दिखती है। यूपी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए, वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप अपनी महिला नागरिकों को इंसाफ का भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरठ दौरे पर है। यूपी पुलिस ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को मेरठ के बाहर ही रोका। प्रियंका और राहुल मेरठ में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। मेरठ में हिंसक प्रदर्शन के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई थी। जामिया के छात्र गृह मंत्री अमित शाह की आवाज तक मार्च निकालने के लिए मंडी हाउस पर जमा हो गए हैं। सीएए के विरोध में मंडी हाउस से निकलने वाले प्रोटेस्ट मार्च को पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। प्रदर्शन को देखते हुए मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 24 दिसंबर को राष्ट्र विरोध दिवस मनाने की अपील की। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने काले झंडे दिखाए। गवर्नर जगदीप धनखड़ यूनिवर्सिटी में वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए कार से आ रहे थे, तभी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उन्हें घेर लिया और काले झंडे दिखाए। गवर्नर के सीएए के समर्थन में सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयान पर भी छात्रों ने विरोध किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्र कुमार बोस ने अब सीएए पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्र कुमार बोस ने ट्वीट करके सीएए पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अगर नागरिकता संशोधन एक्ट का धर्म से कोई लेना देना नहीं है तो फिर हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन का नाम क्यों लिया जा रहा है? इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल कर लेते हैं? हमें पारदर्शी होने की जरूरत है। झारखंड में मिली हार पर शिवसेना ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में लिखा, बीजेपी एक के बाद एक राज्य गवाती जा रही है। बीजेपी के नेता कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान की घोषणा कर रहे थे, अब कई राज्य भाजपा मुक्त हो गए हैं। यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई जिसमें 24 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में न्यूनतम मजदूरी 185 रुपए करने को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही बुंदेलखंड में पेयजल योजना को भी मंजूरी मिल गई है। बुंदेलखंड के 9 इलाकों में पेयजल योजना शुरू की जाएगी। सीएए और एनआरसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है कि बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार सीएए एनआरसी को लेकर खासकर मुसलमानों को सभी आशंकाओं को जल्दी दूर करे और उनको पूरे तौर से संतुष्ट भी करना चाहिए तो ये बेहतर होगा, लेकिन इसके साथ ही मुस्लिम समाज के लोग सावधान भी रहे, कहीं इस मुद्दे की आड़ में उनका राजनीतिक शोषण तो नहीं हो रहा और वो उससे पिसने ना लगे। मायावती के ट्वीट पर कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट करके लिखा है कि जो आरोपी मायावती ने भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद पर लगाया था, वही आरोप वो कभी मेरे ऊपर भी लगाया करते थे। उस समय बीएसपी का जोर था और वो जो कहते थे लोग मान लेते थे, लेकिन अब जमाना बदल गया है। मुझे कमजोर करने से समाज का नुकसान हुआ, लेकिन बीएसपी अब वो नहीं कर पाएगी, लोग समझ गए हैं। लखनऊ में उपद्रव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पहली रिकवरी के लिए एटीएम
विश्वभूषण मिश्र ने नोटिस जारी कर दिया है। उपद्रवियों की लिस्ट में शामिल समय अख्तर को एसडीएम ने नोटिस जारी कर दिया। नागरिकता कानून के विरोध में लखनऊ में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 3 लोग मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसा रहे थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड अशफाक नदीम वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए लोगों को जोड़ते थे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर वाराणसी में हुई हिंसा के आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीर भी जारी कर दी है। 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद भेलपुर के बजरडीहा इलाके में हिंसा हुई थी। पुलिस ने उपद्रवियों की जानकारी देने वालों को इनाम देने की भी घोषणा की है। साथ ही उपद्रवियों को जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं। मेरठ शहर में हुई हिंसा के बाद पुलिस लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। पुलिस ने पूरे शहर में उपद्रवियों के पोस्टर जारी कर दिए हैं। इसी के साथ एसएसपी मेरठ ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वही शहर काजी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की चूक की वजह से भूमियों का पुल और हापुड़ रोड पर भीड़ इकट्ठा हुआ था। प्रशासन हिंसा वाली जगह की सही से निशानदेही तक नहीं कर पाई। लखनऊ में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी को ज्ञापन दिया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेद नेचुरोपैथी पंचकर्म जैसे विभागों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बैठक में कहा कि किसानों को आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों की खेती के माध्यम से बड़े पैमाने पर लाभान्वित किया जा सकता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रतिधित बेहद प्रभावित होगा। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दिल्ली उखला से विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। गाजियाबाद निवासी एक शख्स की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज कराया गया। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट किया था जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जाँच चल रही है और आगे मिलने वाले सबूतों पर कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर में हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों द्वारा माहौल बिगाड़ने के लिए की गई आगजनी और गाड़ियों में तोड़फोड़ सहित पुलिस पर पथराव के मामले में पुलिस ने अब तक 215 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। पुलिस ने जामा मस्जिद के मुतवल्ली और एक मौलाना समेत 3 पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही पुलिस ने लोगों को शहर के चौराहों पर इकट्ठा होकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की है। कानपुर में बीती 21 तारीख को हुई हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हो गया है। वहीं पुलिस ने इस वीडियो को जारी किया। बवाल शांत होने के बाद इसके दोषियों की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। स्मार्ट सिटी के तहत लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस उपद्रवियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से उपद्रवी विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों के फोटो भी जारी किए हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए लोगों से पुलिस ने अपील भी की है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने यतीम खाने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए बवाल का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में उपद्रवी गेट तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सैकड़ों की तादाद में मुंह में कपड़ा बांधे लड़के गेट की तरफ दौड़ते हुए बढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों द्वारा बंद गेट को हिला हिला कर तोड़ देते हैं। CAA NRC के विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च निकाला गया। छात्रों ने जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही 15 दिसंबर को कैंपस में पुलिस में घुसकर कार्रवाई को लेकर भी AMU VC और रजिस्ट्रार के इस्तीफे की भी मांग की गई है। AMU में 5 जनवरी तक छुट्टी घोषित है। इसके बावजूद भी भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। इसके दौरान AMU कैंपस के पास भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात भी किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए बदलाव का वीडियो सामने आने के बाद अलीगढ़ के SSP आकाश कुलहरी ने कहा है कि हर आदमी अपने हिसाब से अपनी बात रखता है।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हिंसा मामले में अलीगढ़ के वकील और हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण गुप्ता ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी समेत 12 से ज्यादा नेताओं पर हिंसा भड़काने का जिम्मेदार बताया गया। वहीं प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि पूरे देश में नागरिकता कानून का समर्थन था, लेकिन कुछ पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिल का सहारा लिया है। पूरे देश में अपने भाषणों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सीए के खिलाफ प्रदर्शन के चलते अलीगढ़ में जल्द ही शांति व्यवस्था लागू किए जाने पर वेटरन्स इंडिया और एक्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह का गुलदस्ता लेकर सम्मान कर आभार जताया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रदर्शन के चलते हुए बवाल के बावजूद पुलिस प्रशासन ने बिना किसी जनहानि की स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव आज उन्नाव दौरे पर है, जहां वो रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगे। आरोपी को जमानत मिलने पर रेप पीड़िता की 21 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में जारी विरोध के बीच बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सीएए के विरोध को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने उन्नाव में कहा कि हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है। जो योजनाएं हिंदुओं के लिए हैं वो मुसलमानों के लिए भी है। उन्होंने सीए के विरोध में हो रही हिंसा के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। तो वही साक्षी महाराज ने फिर विवादित बयान देते हुए कहा कि देश में 4 औरतें 40 बच्चे नहीं चलेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि हम जनसंख्या रोकने के लिए कानून लेकर आएंगे, हम दो हमारे दो तो सबके दो। उन्होंने कहा कि जनसंख्या रोकने का कानून 2024 से पहले आ जाएगा। यूपी में सोनभद्र के जिला अस्पताल अव्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। यहां के मरीजों को अस्पताल से सरकारी एम्बुलेंस की जगह प्राइवेट एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल लेकर जाती है, जिसके लिए चालक मरीजों के परिजनों से अच्छा खासा पैसा वसूल लेते हैं। जिला अस्पताल में ये काम पिछले कई महीनों से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। उत्तराखंड में पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन विकास नगर की हरबतपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले हाट बाजार में पॉलिथीन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। हाट बाजार में दुकानदारों और ग्राहकों द्वारा खुलेआम पॉलिथीन का उपयोग कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त बनाने के आदर्शों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है। मैनपुर में विद्युत विभाग के रवैये से परेशान किसान ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। किसान का आरोप है कि 1988 में उसके पिता ने निजी नलकूप का कनेक्शन कराया था, जिसका पूरा बिल जमा करके 20 साल पहले ही कनेक्शन कटवा दिया गया था, जिसके बाद भी विभाग ने लाखों का बकाया बिल दिखाकर आरसी काट दी। पीड़ित किसान का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारी उसकी नहीं सुन रहे हैं। मुरादाबाद में रिश्वत मांगने के आरोप में सब इंस्पेक्टर निलंबित कर दिए गए। निलंबित इंस्पेक्टर पर देर रात दुकान खोलने के बदले में 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिसकी दुकानदार ने शिकायत एसएसपी से कर दी। जांच में दोषी पाए जाने पर आरोपी इंस्पेक्टर गोपाल सिंह को निलंबित कर दिया गया। उन्नाव में मुख्यमंत्री आवास योजना में 127 लाभार्थियों को आवास की चाबी और प्रमाण पत्र दिए गए। प्रभारी मंत्री कमला रानी वरुण ने प्रमाण पत्र और आवास की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। इस दौरान कार्यक्रम में उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लाभार्थियों को कंबल भी बांटे। उन्नाव के विकास भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के विधायक सांसद के साथ ही तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। यूपी के आगरा में टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग लग गई है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने आग लगाने की सूचना दमकल विभाग को दी है, जहां मौके पर पहुंची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भीषण आग लगने की वजह से गोदाम में रखा सारा ज्यादातर सामान जल गया है।
यूपी के मथुरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तारकोल से भरे टैंकर से टेम्पो टकरा गया, जिसके बाद हादसे में टेम्पो चालक समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। भीषण हादसे में टैंकर 100 मीटर तक टेम्पो को घसीटता ले गया। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंची लोगों ने टेम्पो को काटकर फंसी सवारियों को निकाला है। वहीं टेम्पो के ओवरटेक करने से यह हादसा हुआ। टेम्पो में 9 लोग सवार थे। लखीमपुर खीरी में किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रही है। 3 दिन से जुलाई में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है, लिहाजा किसान ब्लैक में महंगी खाद खरीदने को मजबूर हो गए हैं। कई सहकारी समितियों पर खाद की भारी किल्लत देखी गई है। आशंका जताई जा रही है कि विभाग के कर्मियों को मिली भगत के बाद ब्लैक में बेची जा रही थी ये खाद, लेकिन इन सब के बीच परेशान किसान पूरे दिन लंबी लंबी लाइन लगाने को मजबूर हो गए। मुरादाबाद में सपना चौधरी ने जमकर ठुमके लगाए हैं। सपना को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे। बीजेपी विधायक कुंवर सुशांत सिंह के पुत्र कुंवर शिवादित्य सिंह के जन्मोत्सव पर मुरादाबाद के रतुपुरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सपना को भी बुलाया गया था। कुंवर सुशांत सिंह बूढ़ापुर से बीजेपी विधायक है और पूर्व सांसद सर्वेश सिंह के बेटे भी हैं। बीएचयू में 101वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर ने भी हिस्सा लिया। समारोह में कुल 11,417 उपाधियां प्रदान की गई। इसके अलावा शिक्षा संकाय के प्रोफेसर सुनील कुमार को महामहा के विचार व योगदान पर आधारित शोध और डॉक्टर विमल को संत रविदास के सामाजिक योगदान पर आधारित शोध के लिए डीलिट की उपाधि भी दी गई। घने कोहरे के चलते ट्रेनों की गति सुधारने के लिए किए गए तमाम उपाय के बावजूद भी रेल प्रशासन फेल साबित हो रहा है। सुबह की ट्रेनें शाम और रात की ट्रेनें सुबह स्टेशन पर पहुंच रही है। लुढ़कते पारे के बीच ट्रेनों के इंतजार में यात्रियों की रात प्लेटफॉर्म पर ही बीत रही है। बदायूं में कड़ाके की ठंड ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ठंड के कारण जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। सड़कों पर लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनकर निकल रहे हैं। ठंड के कारण आम आदमी बेहद परेशान है, जिसके चलते प्रशासन ने ठंड से बचने के लिए कई जगह अलाव भी लगा दिया है। हरिद्वार जिले के 2 बीजेपी विधायकों देशराज कंडवाल और कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की लड़ाई पार्टी हाईकमान से लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच जुबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस बार झबरेड़ा विधायक देशराज कंडवाल के कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मूछों पर चुटकी लेते हुए 7 दिन के बाद चैंपियन के जेल जाने की बात कही गई है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह पहुंचे देशराज कंडवाल ने कहा कि चैंपियन पर दर्ज SIT एक्ट मुकदमे में 7 दिन के बाद बड़ा फैसला आने वाला है, जिसमें उनकी जीत होगी और चैंपियन की गिरफ्तारी की जाएगी। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में खानपुर के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी शामिल हुए। इस दौरान देशराज कर्णवाल के बयान पर पूछे गए सवाल पर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि ये हमारा बहुत पुराना विवाद है, इस शपथ समारोह में इस तरह की बात ना की जाए। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में MBBS डॉक्टर अपने शिक्षण संस्थान में ही काम करने को तैयार नहीं है। मौजूदा समय में कॉलेज के अलग अलग विभागों में तैनात 13 डॉक्टर लंबे समय से गैर हाजिरी चल रहे हैं। 2 से 8 महीने गुजरने पर भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं लौट रहे हैं। वही संस्थान ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए डॉक्टरों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय के लिए रिवील कर दिया। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सचिव दिलीप जावलकर को पुरस्कार दिया। उत्तराखंड में फिल्मों के लिए बनाए गए माहौल के चलते राज्य को ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। उत्तराखंड दर्शन को लेकर आज जे देवभूमि गीत मुख्यमंत्री आवास में
लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस गीत को लॉन्च किया है। वरिष्ठ पत्रकार और मुख्यमंत्री मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने इस गीत को गाया है और लोक गायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी ने इस गीत को लिखा भी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अजय भट्ट, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, दिलीप रावत समेत कई वरिष्ठ कलाकार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भी अपने मीडिया सलाहकार के इस प्रयास की सराहना की है और कहा है कि इस गाने को 6 मिनट के गाने में प्रयास किया गया है ताकि संपूर्ण उत्तराखंड को जाना जा सके। ऋषिकेश में तेंदुए की मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सीसीटीवी में तेंदुआ दिखने के साथ ही आसपास के लोगों में डर का माहौल देखा गया। वन विभाग भी अब सतर्क में आ गया है। सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेंदुए के पीछे उसका बच्चा भी चल रहा है, जिसके बाद अब वो वन विभाग तेंदुए की तलाश कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ धाम में करीब 8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में पेयजल, संचार, यातायात और विद्युतीय आपूर्ति ठप पड़ गई है। ऐसे में यहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, जबकि धाम से सभी मजदूर, कर्मचारी और पुलिस के जवानों को भी वापस लौटने को कह दिया गया है। नोएडा में कई जगह पर स्लोगन के साथ नेकी की दीवार की शुरुआत की गई है। ये ऐसी दीवार है जहां लोग अपने पुराने पहनने लायक कपड़ों की जरूरतमंद लोगों के लिए दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अलमारी भी बनाई गई है। इसमें कोई भी आकर अपने कपड़े को दान कर सकता है। दिल्ली के नरेला में एक फुटवेयर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग से 2 फैक्ट्रियों में अपनी चपेट में ले लिया, जहां पे मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 20 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। फुटवेयर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया है। फैक्ट्री में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक दमकल कर्मी घायल हो गया। इसके अलावा नरेला की एक और फैक्ट्री में आग लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुल के नीचे विमान फंस गया। विमान को ट्रक पर लादकर दूसरी जगह ले जाया गया। इस ट्रक ड्राइवर को पुल की ऊंचाई का अंदाजा नहीं मिला और फंस गया। विमान पर इंडिया पोस्ट लिखा हुआ है।